हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसम। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा, तो आइए शुरू करते हैं। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए हमने एक प्याला दाल ले ली है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखें, एक पॉट में हमने दूध लिया है, इसी में हमने दूध बॉयल किया था तो हमने इसी में दूध ले लिया है। और जितनी दाल है हमारी उतना ही दूध है, यानी कि एक प्याला दाल है तो एक प्याला दूध है। ठीक है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे सारा दूध, और ये तब तक पकाएंगे कि दाल हमारी बहुत अच्छे से नहीं गलना है, हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और साथ साथ दूध सारा अब्सॉर्ब कर ले। अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। ये हमारी दाल उबल चुकी है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको पीसेंगे। दाल हमने अपने चॉपराइजर में डाल दिया है, अब इसको हम पीस लेंगे, उसके बाद फिर अगले प्रोसेसर पे चलेंगे। देखें, दाल हमारी पीस चुकी है। अभी थोड़ी देर इसको हम 2-3 मिनट तक जो है हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे और उसके बाद फिर धीमी आँच में इसको हम भूनेंगे, क्योंकि हलवे का जो जायका आएगा वो दाल के भुनने से आएगा। जितनी अच्छी, जितनी मज़े की दाल आपकी भुनी होगी धीमी धीमी आंच में, उतना ही जायकेदार आपका हलवा बनेगा। हमारी दाल भुन के एकदम तैयार हो चुकी है। ये देखें कितनी ढेर सारी थी और भुनने के बाद कितनी थोड़ी बची है। अब एक काम यहाँ पे हम और करेंगे कि इसको पहले छान लेंगे और जो बारीक पाउडर ऐसा होगा वो गिर जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको एक बार फिर से हम ग्राइंड करके भुनेंगे। अब ये देखें, ये हमने अपनी छलनी में डाल दिया है और इसको हम छान लेंगे। देखिए, ऐसे जो पाउडर फॉर्म में गिर जाएगा वो रहने देंगे और बाकी जो दानेदार बचेगा उसको हम पीस लेंगे फिर से और एक बार थोड़ा सा और भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना पाउडर फॉर्म में आ गया है, इतना बचा है इसको हम फिर से ग्राइंड करेंगे और उसके बाद फिर से भूनेंगे। ये देखें, ये हमारी दाल है जो हमने दूध में उबाली थी, उसके बाद फिर भूनना था, पीसा था, फिर भूना था। तो अब उसका करना क्या है, हमने हलवा बनाना है। हलवा बनाने के लिए हमें मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। ये दाल देखें, हमारा एक प्याला दाल है। ठीक है, एक प्याला दाल प्लस एक प्याला शुगर। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शुगर थोड़ा बढ़ा के डाल लें, वरना एक प्याले दाल में एक प्याले दाल के पाउडर में एक प्याला ही शुगर पड़ेगी और इसी प्याले से नाप के 2 प्याले दूध पड़ेंगे। ये देखें, ये 2 प्याले दूध हमने अपने पैन में डाल दिए हैं, फुल क्रीम मिल्क है। ये देखें, आप देख रही होंगी कि इसकी बलाई पूरी अच्छे से आ गई है। दूध की बलाई अगर आप किसी चीज़ में डाल दें तो उसका टेस्ट स्वीट डिश में और ज़्यादा बढ़ के आ जाता है। तो मैं अक्सर डाल के देखें, ये अपने दूध में अब हम वही शुगर डाल देंगे और शुगर को केवाम बनने तक हम पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन ये है कि इसको डालने से हलवे का कलर बहुत खूबसूरत आता है। हमने 5-6 इलायची ली है जिनको हमने अच्छे से कूट लिया है, तो ये भी इसी में इसी टाइम चला जाएगा। अब इसको किमाम बनने तक हम, एक तार का किमाम बनने तक इसको हम पकाएंगे। हमारा किमाम एकदम रेडी है, ये देखिए एक तार का किमाम ये बन चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो आपका हलवा कड़ा हो जाएगा। अब यहीं पे हम अपना ये जो हमारा चने का पाउडर है, चने की दाल का, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसी स्टेज पर आँच हम तेज़ रखेंगे। और ये हमारा खोया है तकरीबन 100 ग्राम, इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा डालेंगे। अब इसको डाल दें इसमें तो जायका और अच्छा हो जाएगा। और अब इसको हमने घोटना है, घोटते काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी जितना हमें टाइट चाहिए उतना टाइट कंसिस्टेंसी में नहीं आया है। तो अभी इसको कंटिन्यूसली आपने अपना स्पून चलाते रहना है। अगर आप रोकेंगी तो ये सही नहीं रहेगा। इस जगह पे आपको इसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है, बस सिर्फ चलाते रहना है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपना घी ऐड करेंगे, ये हमारा 1 सर्विंग स्पून भर के अभी हमने इसमें घी डाला है। अभी हमें अगर और ज़रूरत महसूस होगी तो हम और डालेंगे, हम घी और डालेंगे और इसको और भूनेंगे।
ये समझ लें कि चने की दाल का हलवा जो होता है इसके आगे कोई भी मिठाई इसको बीट नहीं कर सकती है, बशर्ते ये बहुत अच्छा बना हो। और इसका जो मेन दो पार्ट है उसमें हमें बहुत मेहनत पड़ती है। पहला पार्ट ये होता है कि जब हम अपनी दाल को दूध में उबालते हैं उसके बाद उसको पीस के जब उसकी भुनाई करते हैं वो बहुत मुश्किल काम होता है। अगर उस जगह पे आपकी दाल ज़बरदस्त तरीके से भुन गई है तो आपका हलवा 70% बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद आता है इसको घोटाई करने का। जब हम दूध में किमाम में अपना चने की दाल का पाउडर डालते हैं, खोया डालते हैं, शुगर वगैरह डालते हैं, तो जब ये घोटाई हम करते हैं तो ये घोटाई का भी बहुत हाथ होता है। यानी कि 70% आपकी दाल का अच्छा भुना होना ज़रूरी है और 30% क्रेडिट जो जाता है वो इसको जाता है कि ये हलवा आपका बहुत अच्छे से भुन जाए, घुट जाए। यानी कि तो ये समझ लें कि इसके आगे फिर जब आप खाएंगे ना तो आपको दुनिया जहान की सारी मिठाइयाँ एक तरफ रहेगी और ये एक तरफ रहेगा। अब यहाँ पे हाफ सर्विंग स्पून घी हम और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल घी जो हमारा इसमें लगा है 2.5 सर्विंग स्पून इसमें लगा है। तो इसको थोड़ा हम और भूनेंगे। हलवे की पहचान ये होती है कि आपको ऐसे पता चलता है, पहले जब आप हलवे में स्पून चलाते हैं ना तो बहुत सॉफ्टली आपका हाथ चलता है, लेकिन जब ये हलवा एकदम होने पे हो जाता है कि हाँ बस तैयार होने वाला है तो आपका स्पून बहुत टाइट चलने लगता है, बहुत मुश्किल से चलता है स्पून। तब फिर ये समझ लें कि आपका हलवा होने वाला है जब आपका स्पून मुश्किल से चलने लगे। हलवा एकदम रेडी है, अब इसको हम चलेंगे जमाने की तरफ। ये कोई भी आप प्लेट ले लें, सीनी ले लें, ट्रे ले लें, कुछ भी ले लें, और उसमें हमने चारों तरफ को अच्छे से घी लगा दिया है और इसमें हम अपना सारा हलवा, और इस तरह से कोई भी पॉट आप ले लें, कोई भी कटोरी या कोई भी ग्लास, और उसके साइड पे ऐसे घी लगा लें और इसको अच्छे से इक्वली आपने जो भी बर्तन लिया है उसमें आपने बहुत अच्छे से चारों तरफ फैलाना है। तब फिर आपने ताकत ही लगाना है, फिर आपने हल्के हल्के ऐसे कटोरी से वो करना है, और अगर आपको लगे कि हाँ आपका बर्तन चिपक रहा है तो आप दोबारा से भी घी लगा सकती हैं। अब इस पर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे और बादाम तो हमने काट लिया है जूलियन कट में, लेकिन ये हमारा पिस्ता और काजू है इसको हमने बारीक कूट लिया है, और ये देखें जब ये कूटा हुआ पड़ता है तो बहुत खूबसूरत कलर लगता है। तो ये हमने ऐसे कूट के अपना चारों तरफ वो कर दिया है। अब इसको हम हल्के हल्के ऐसे पीटते हुए बराबर कर लेंगे। हलवा जम चुका है, अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके स्लाइसेस काटेंगे। अभी फिलहाल ये ठंडा होने के लिए हम इसको रख देंगे, कहीं फ्रिज में नहीं रखना है, अपने रूम टेम्परेचर पे ही रखें। हमारा चने का हलवा तैयार है, खाइएगा, बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद खाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत मज़े का बनता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हलवा तैयार होगा जो खा के आपको बहुत मज़ा आएगा। और बनाइएगा, अगर बनाने के बाद आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।